आज मसाला किचन में बन रही है एक ऐसी सब्जी जिसे देखकर मुंह में पानी आ गया होगा। अगर व्रत रखा हो और उसके बाद काफी दिनों बाद खा रहे हैं खाना, तब तो और ही ज्यादा मजा आ जाएगा। आज मसाला किचन में वो रेसिपी बन रही है जिसे बड़े प्यार से बनाइए। यकीन मानिए, कई सब्जियों को हम इग्नोर कर देते हैं। आज ये सब्जी है, इसे ऐसे ही बनाना है। नहीं, हर सब्जी को ऐसे बनाइए, दिल से बनाइए कि वो सब्जी का स्वाद बहुत ही ज्यादा निखर के आए। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। इसे आप सिंपल रोटी के साथ खाएंगे ना, तो बस फैन हो जाएंगे। न प्याज है, न लहसुन है, न काजू है, न क्रीम है। बहुत ही आराम से बना सकते हैं और ढाबे का जो फ्लेवर आएगा ना इसमें, उसका क्या कहना। तो सबसे पहले इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 टमाटर, जिसे मैं इस तरीके से ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं या फाइन चॉप भी कर सकते हैं। टमाटर तो मैंने ग्रेट कर लिए। अब क्योंकि इस ग्रेवी में मैं प्याज लहसुन नहीं डाल रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, 2 चम्मच भर के बेसन को रोस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, उसी में मैंने इस बेसन को डाल दिया है और धीरे धीरे धीमी आंच पे भून रही हूँ। जब तक भूनना है कि जब तक इसकी खुशबू ना आ जाए। अब मैंने कढ़ाई में बेसन पूरा निकाल दिया भून कर, उसी कढ़ाई में 2 चम्मच डाल दिए हैं ऑयल। अब क्योंकि ये टेस्टी बने, ढाबे का फ्लेवर आए, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 1 छोटी इलायची, 4-5 दाने काली मिर्च के, 1 छोटा चम्मच जीरा और आधी बड़ी इलायची, जिसे डोरा इलायची कहते हैं ना, वो डाल दिया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 पिंच हींग, 1 तेज पत्ता। इन सारे मसालों को हम भून लेते हैं। अब जब मसाले भुन जाएं, गैस की फ्लेम स्लो करना और 1/2 चम्मच से कम डालना हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच से कम डालना कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है तो वो थोड़े सा डाल देना 1/2 चम्मच के आसपास, और डालना इसमें 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। इन मसालों को ऑयल के साथ भूनते जाना। नमक नहीं डालना, इस बात का खास ध्यान रखना है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें मसाले को भूनना है। मसाले का कच्चा फ्लेवर ना आए, इसके लिए 2-3 बार आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल सकते हो। जब आपको लगे कि मसाला अच्छे से भुन गया, तब जो हमने टमाटर को ग्रेट किया था वो टमाटर इसके अंदर डाल देते हैं। अब टमाटर के ऊपर मैंने डाल दिया थोड़ा सा अदरक ग्रेट किया हुआ और हरी मिर्चें। इन सबको मिक्स करने के बाद मैं इसे और पका रही हूँ। जब थोड़ा पक जाए, तब ये जो बेसन हमने भून के रखा था ना, वो इसके अंदर डाल देते हैं। अब यहाँ पर कौन कहता है कि आपने प्याज वगैरह यूज नहीं किया। मैंने कोई काजू यूज नहीं किया, प्याज यूज नहीं किया, किसी का पेस्ट नहीं डाला, बस यूं ही ये बढ़िया पकती जाए। बस इसमें एक बात का ही आपको ख्याल रखना है, इसकी जितनी हो सके भुनाई कीजिए। 5-7 मिनट इसे ढक के रखिए और इसे भूनते रहिए। जब अच्छे से आपको लगे कि अच्छा सा मसाला भुन चुका है, तो 1 कटोरी आप डाल दीजिए दही। दही नॉर्मल जो हमारे घर में होती है, उसे फेंट कर आप डाल दीजिए। दही डालने के बाद थोड़ा सा उसी में ही जो पानी होता है ना कटोरी में, मैंने वो भी डाल दिया है। अब इसमें डाल दिया मैंने कसूरी मेथी और हरा धनिया। अब इस ग्रेवी को तब तक चलाते रहिए जब तक कि इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए। अब फ्लेम आप अच्छे से बढ़ा दीजिए। नमक बिल्कुल न डालें, नमक तब तक न डालें जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। जब इसमें उबाल आ जाए, फटने का कोई चांस नहीं है, तब आप डाल दीजिए नमक। अब नमक डालने के बाद आपको करना क्या होगा, इसे ढक कर दूसरी फ्लेम पर रख देते हैं। अब चलते हैं, उस राज को खोलते हैं, मैंने ये सब्जी बनाई किस चीज की है। ये तो ग्रेवी तैयार हुई है, इसे हम धीमी आंच पे स्लो गैस पर पकाएंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। तब तक मैं लेती हूँ 1 लौकी। तो चलिए, उस पतली सी लौकी को, करीब करीब उसका वेट है 500 ग्राम, मैंने उसे वॉश करके छील लिया, छीलने के बाद भी वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैं इसे कट करके दिखा रही हूँ, अंदर कोई बीजा नहीं है। अगर बीजा हो तो बीजे वाला पार्ट छोड़ दीजिए, मेरे पास इसमें कोई बीजा नहीं है, तो मैं पूरी की पूरी लौकी को ग्रेट कर ली। लौकी हमें किसी भी तरीके से खानी चाहिए, सीजनल सब्जियों को खाएंगे तो बहुत पसंद करेंगे। और लौकी का अपना कोई स्वाद नहीं होता। बच्चे पहले पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च कहाँ खाते थे, जब हम चाइनीज फूड बनाने लगे बच्चे सारी सब्जियां खाने लगे हैं उसी के अंदर। तो इसको भी हम इतना स्वादिष्ट बनाएंगे ना, तो ये सब्जी जरूर बच्चे खाएंगे। अगर आप लौकी को लौकी समझ के बनाएंगे ना, तो बच्चे कभी नहीं खाएंगे। आप समझिए कि हम पनीर की सब्जी बना रहे हैं। ग्रेट करने के बाद इसमें बहुत थोड़ा सा, 1/2 चम्मच से भी कम नमक डाल दीजिए।
नमक डालने के बाद 10 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए, क्योंकि ना ये लौकी वाला जो पानी निकलेगा उसे भी हमें यूज करना है। अब यहाँ पर लौकी को मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया और एक पतले कपड़े में पूरी लौकी को डाल दिया। धोना नहीं है हमें लौकी को, बस उसका पानी निकाल देना है। पानी जितना हम निकालेंगे उतना ही इसमें बेसन कम यूज करेंगे, वरना बेसन ज्यादा हो जाता है लौकी कम हो जाती है। और हमें ये भी ख्याल रखना है इस लौकी को हमें सॉफ्ट कोफ्ते रखने हैं। अब इस लौकी को मैंने स्क्वीज करके एक बोल में डाल दिया है, लौकी का पानी अलग रखा है, उसे हमें ग्रेवी में यूज करना है। इस लौकी में अब हम डालेंगे क्या वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने डाल दिया खूब सारा हरा धनिया, आप चाहें तो हरी मिर्चें भी यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून से थोड़ा कम है अमचूर पाउडर, बहुत थोड़ा हल्दी पाउडर, बहुत थोड़ी सी लाल मिर्चें पाउडर और बहुत थोड़ी सी है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ मैं डाल रही हूँ खूब सारा सौंफ का पाउडर। सौंफ को हम रोस्ट करके अगर दरदरी कूट लेते हैं इन चीज़ों में बहुत टेस्टी लगती है, तो आप ज़रूर डाल कर देखिए। यहाँ नमक है ना वो मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि लौकी में जब हमने पहले नमक डाल के रखा है ना, तो लौकी में थोड़ा सा नमक जितनी ज़रूरत होती है वो उसमें काफ़ी है। इससे ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा नमकीन हो जाएंगे, क्योंकि ग्रेवी भी हमने काफ़ी मसाले वाली बनाई है, तो मैं नमक नहीं डाल रही हूँ। इसमें मैं 2 से 3 चम्मच अभी बेसन डाल रही हूँ, ज़रूरत लगेगी तो 1/4 चम्मच भी बेसन इसके अंदर जाएगा। अगर पानी नहीं निकालती ना तो बहुत सारा बेसन डालना पड़ता। 1 चम्मच मैं और डाल रही हूँ, कुल मिला के 4 चम्मच मैंने इसके अंदर बेसन डाला है, नॉर्मल चम्मच जो घर के अंदर होता है। हरी मिर्च अदरक मैंने नहीं डाला है क्योंकि मसाले वाली ग्रेवी है बहुत, तो यहाँ मैंने थोड़ा कम मसाले डाले हैं। अब ये जो ग्रेवी बनी है ना, इसमें सारी चीज़ें जरूर डालिए, लेकिन हाँ, अगर आपके घर में दही बेसन एक साथ नहीं खाते तो बेसन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें यही करिए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। एक बार बनाकर जरूर बताइए मुझे। बस अब आपको इधर ग्रेवी पे भी नज़र रखते रहना है, और ये जो लौकी वाला पानी है ना वो इस ग्रेवी के अंदर हम डाल देते हैं, क्योंकि ग्रेवी अभी काफ़ी गाढ़ी है। लौकी के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ना इस ग्रेवी के अंदर है। जब भी आप लौकी की पूड़ी बनाएं, लौकी का पराठा बनाएं, लौकी का रायता बनाएं, तो आप इसी टेक्निक को अपनाएं। लौकी का पूरा पानी आप किसी भी सब्जी में यूज़ कर सकते हो या उसी से आटा गूंथ सकते हो। चलिए अब हमारे पास है ये मिश्रण, इसके हम कोफ्ते बना लेते हैं। गोल गोल कोफ्ते ऐसे बनाएंगे जिससे वो मलाई कोफ्ते का लुक दे। हमें अनइक्वल सा शेप नहीं बनाना है, अनइक्वल का शेप बनाएंगे तो सब यही समझेंगे कि लौकी का कोफ्ता है। आप गोल गोल बनाइए। चलिए अब इसे फ्राई कीजिए। फ्राई करने की भी एक छोटी सी ट्रिक को फॉलो कीजिए। जब आप डाल रहे हो ना कोफ्ते, तब थोड़ा तेज़ फ्लेम होना चाहिए, और उसके बाद कुछ सेकंड के बाद ही उसे चलाना शुरू कीजिए। अब जो जगह है साइड में, वहाँ मैंने और बचे हुए कोफ्ते भी डाल दिए हैं। टोटल मेरे 9 से 10 कोफ्ते कुल बने हैं इतनी बड़ी लौकी के अंदर। अगर प्रेम से इस सब्जी को खाया ना और इसी तरीके से बनाया सारी ट्रिक्स के साथ, यकीन मानिए 4 जनों को भी ये सब्जी कम पड़ जाएगी, क्योंकि बहुत अमेजिंग ये सब्जी है। चलिए अब कोफ्ते को आप थोड़ा सा तलने के बाद थोड़ी फ्लेम को लो कर दीजिए। लो मतलब पूरा लो नहीं, थोड़ा मीडियम करिए और उसे गोल्डन होने तक फ्राई कीजिए। जब ये ट्रिक को फॉलो करेंगे ना, तो आपके कोफ्ते बढ़िया सिकेंगे भी अंदर तक, और बाहर से क्रिस्पी लगेंगे, अंदर से नरम लगेंगे और तेल वाले भी नहीं बनेंगे। चलिए अब हम ग्रेवी को भी देख लेते हैं। ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब ये पके हुए कोफ्ते हैं ना, इनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये टूटेंगे। सारे कोफ्ते इसी के अंदर डाल दीजिए और हरे धनिए की फिर से गार्निश कर दीजिए, और 5 मिनट इसे और पका लीजिए। इसकी थोड़ी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी गाढ़ी हो जाए और बस आपका कोफ्ता जो है तैयार हो जाए। अब वैसे ये कोफ्ता पूरी तरीके से परफेक्ट तैयार है, आपको कुछ तामझाम नहीं करने की जरूरत है। लेकिन एक साइकोलॉजी रहती है ना हमारे दिमाग में कि अरे यार मेहमान आ रहा है, उसको लौकी के कोफ्ते कैसे खिलाएं, अरे यार ऐसे कैसे हो रहा है, हमारे दिमाग में निकलता ही नहीं है ये चीज़, क्योंकि हम ऐसे टाइम के लिए सोचते ही नहीं है इन सब्जियों को। चलिए तो थोड़ा सा आपका वो भी काम कर देती हूँ। अगर घर में जरा सा पनीर आपके पास पड़ा हो तो एक छोटा सा पीस ले लो, उस पनीर को ऊपर से ग्रेट कर दो। लीजिए बन गए जी मलाई कोफ्ते, क्या कमी है अब इसमें। अब इसे सर्व कीजिए, और इसी तरीके से आप आलू के भी कोफ्ते बना सकते हो।
और किसके बना सकते हो मुझे जरूर बताइए। आपको ये लौकी के कोफ्ते की सब्जी कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। आप घर में बनाइए, उसके बाद मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आज लौकी का कोफ्ता बहुत अच्छा बना। थोड़े दिन के पहले मैंने जब आपको टिंडे की सब्जी दी थी तब आपने बताया था ना, मुझे बहुत खुशी होती है वो टाइम जब आप लोग बोलते हो कि हमारे घर में कोई नहीं खाता था, अब सब लोग खा रहे हैं या किसी को कम पड़ रही है सब्जी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सीजनल सब्जियों को खाना सिखाइए बच्चों को, जैसे हमने चाइनीज डिश के अंदर बहुत सारी सब्जियां डालकर बच्चों को खिलाते हैं, तो इसे भी खिलाइए और इंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल पर सब्सक्राइब करने की कंजूसी बिल्कुल ना करिए।